हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को डाबर स्ट्रेस स्कॉम कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिनों तक इस दवा को लेना होगा, कितने दिन में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्या इसके नुकसान हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किन लोगों को ये दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेस स्कॉम कैप्सूल एक प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। यह आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। यह एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 80 रुपये, यानी 80 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है, डाबर और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, यानी एक किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। इसके अंदर होता है अश्वगंधा। ये सिर्फ अश्वगंधा को मिलाकर तैयार किया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम्स में हम कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव होता है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन लेते हैं, उस प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को अपना दिमाग तेज़ करना हो, कोई भी चीज़ वो याद रखना चाहते हो, याददाश्त को मजबूत करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जिन लोगों को मसल्स गेन करना है, वजन को बढ़ाना है, ऐसी कंडीशन में वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, थकावट महसूस होती है और चक्कर भी आते हैं, ऐसी कंडीशन में वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों को एनर्जी बूस्ट करनी हो, एनर्जी बूस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ साथ स्टेमिना को भी ये बूस्ट करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये जो कैप्सूल है ना, ये बहुत ही फायदेमंद कैप्सूल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कैप्सूल को लेना कैसे होता है। तो देखिए, इसका एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ लेना होता है। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इसे हर कोई ले सकता है। और अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आप इसे पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कितने समय तक होता है। तो इसका जो कोर्स है वो 2 से 3 महीने का है। अगर आप इसे 2 से 3 महीने ले लेते हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। कितने दिन में इसका फ़ायदा देखने को मिलता है? तो इसका जो फ़ायदा देखने को मिलेगा वो सेकेंड वीक से देखने को मिलने लगेगा, यानी 15 दिन बाद आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अब जान लेते हैं कि किन्हें इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। जो महिला गर्भवती हैं उन्हें ही अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा नहीं है। अगर ये लोग यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इससे वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई आप दवा इस्तेमाल करते हो और उससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम महसूस हो, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि ये दवा आपको सूट नहीं हो रही है और इसे रोक के अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।